हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस, आज आ गया हूँ मैं एक और नए वीडियो के साथ। तो गाइस, जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल देख के पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो होने वाली है कैंपिंग टेंट के ऊपर। तो गाइस, मैंने लिया हुआ एक कैंपिंग टेंट जो कि मेरा कल ही पहुँचा है। मैंने अपने भाई से मंगवाया था, तो उसने कल मेरे को डिलीवरी की है। तो भाई, अभी आप सोच रहे होंगे कि यार तुमने कैंपिंग टेंट करना क्या है, तो मैं बता दूँ, हमारी एक टूर लग रहा है जो कि काफ़ी दूर का टूर है, जो कि हफ्ते का टूर होगा। तो मेरे को वहाँ पर काम आएगा ये कैंपिंग टेंट। तो जब भी मैं आपको रिवील नहीं करूँगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, फिर जब भी मैं जाऊँगा तो आपको वीडियो में पता चल ही जाएगा ये कैंपिंग टेंट। तो जैसे मैंने सोचा था कि ये छोटा होगा, लेकिन ये काफ़ी बड़ा निकला। तो चलिए अभी इसको अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको भी दिखाते हैं ये कैसा है टेंट अंदर से। और ये मेरा फर्स्ट टाइम टेंट है, तो देखते हैं, काफ़ी मुश्किल होने वाली है इसको खोलने में। तो अभी देखते हैं ये कैसे खुलता है ये टेंट। चलिए इसे अभी हम खोलते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे बनता है ये। तो भाई, मेरे को भी काफ़ी डिफ़िकल्टी होने वाली है इसको बनाने में, क्योंकि मैंने यूट्यूब पर देखा था ये। तो देखते हैं अभी कैसे खोलते हैं। तो भाई, ये निकला इसका कवर, इसके ऊपर दिखाया हुआ इन्होंने मेन्यू दिखाया हुआ है कैसे खोलना है इसको। तो चलिए इसको देख के खोलेंगे। और ये है हमारा टेंट और ये है इसका कवर, और इसके बीच में इन्होंने दिए हुए हैं इसके स्टैंड करने के लिए ज़रूरत पड़ती है इसकी। भाई, ये धागा है जो कि साइड में बांधने के काम आएगा, जिससे हमारा टेंट उड़ेगा नहीं। भाई, ये कुछ धागे आए हुए हैं इसमें जो कि हमें टेंट के साइड साइड में बांधने के काम आएगा, ताकि हमारा टेंट उड़े ना। और ये दिए हुए लोहे के जो कि जमीन के बीच में धस जाएंगे। तो भाई, इसको छोड़ते हैं अभी पीछे और हमारा जो मेन है उसको निकालते हैं अभी। तो भाई, इसके बीच में ये स्टिक्स जो कि टेंट को सही देने में काम आएगी, सपोर्ट देने के काम आएगी ये स्टिक। अभी मेरा टेंट खड़ा हो चुका है, आप देख सकते हो। तो भाई, काफ़ी मेहनत लगी मेरे को इसको खड़ा करने में। तो भाई, जैसे मैंने सोचा था कि उससे काफ़ी बड़ा निकला। तो जहाँ पर मेरे को मेरे, चलिए अभी अंदर चलते हैं। भाई अभी मैं टेंट के अंदर हूँ, अभी आप देख सकते हो मैं टेंट के अंदर हूँ। तो भाई, तीन बंदे आराम से इसमें आ सकते हैं। तो आप देख सकते हो, तीन बंदे इसमें आराम से आ सकते हैं। तो काफ़ी बड़ा टेंट है ये, तो अभी मज़ा आएगा। भाई, परसीनों परसीन हो गया इस टेंट को मैं खड़ा करने में। तो भाई, क्या काफ़ी मेहनत लगती है इस टेंट को खड़ा करने में। तो वैसे अंदर से देखा जाए तो काफ़ी बड़ा है ये, तीन बंदे आराम से सफिशेंट है इसमें, मज़े से लेट सकते हैं। वैसे मैंने 2% टेंट लिया हुआ है, तो तीन बंदे आराम से आ जाएंगे इसमें। तो बस भाई, अभी मैंने आपको दिखा दिया। तो अभी तैयारी रखते हैं हम हमारे टूर के लिए। तो चलिए, अभी हम आपको आगे मिलता हूँ मैं। भाई, आप ये जो देख रहे हो ये वाटरप्रूफ केस है, इन केस अगर बारिश पड़ती है तो हम इसको इसके ऊपर डाल सकते हैं, बारिश टेंट के अंदर नहीं आएगी। तो चलिए गाइस, अभी मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ और आपको मिलता हूँ आगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।